अस्सलामुअलैकुम जी बेटा, हाउ आर यू? आई होप सब ठीक ठाक है। आज एक छोटी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट प्रैक्टिस से करते हैं, बाद में हम किसी चीज़ पर आएंगे टू स्टडी। एंड मुझे ये बता दें पहले कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, कैन एनीवन टेल मी प्लीज? मुझे जो याद है दैट वी वर हैविंग वन ऑफ द लेसन द खैबर पास, और उसके हमने एमसीक्यूज किए थे। राइट, एमसीक्यूज किए थे। बट एक छोटा सा मैं टेस्ट टेस्ट तो नहीं, ये प्रैक्टिस से आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं जो कि आई वुड लाइक यू पीपल टू सॉल्व इट फर्स्ट ऑन योर पेपर, ऑन योर I would say, and on your notebook वगैरह, और उसके बाद हम बात करेंगे। There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15 sentences here, right? I would like you people to just go for these first. मैं यहाँ पे mention कर देता हूँ, which first? ये जो आपके पास highlighted है, इनको पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। नाउ इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, राइट? ये जो हाईलाइट किए हुए हैं, तो फॉर दिस देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दीज आर 10 सेंटेंसेस। आई वुड लाइक टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर जस्ट नॉट ओनली डूइंग इट, यू आर शेयरिंग योर स्टफ इन द चैट बॉक्स, ताकि आप लोगों को कुछ चीजें सीखने को मिले। एंड यू आर नॉट टू आस्क एनीवन, प्लीज डू इट योरसेल्फ। ठीक है जी? एंड बिकॉज देयर आर 10 सेंटेंसेस, सो आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप ये पूरे का पूरा कंप्लीट करेंगे और मेरे पूछे भिजवाएंगे। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, आप मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, राइट? आप मुझे चैट बॉक्स में कोई क्वेरी होगी तो पूछ सकते हैं। आई एम हेयर विद यू पीपल, so best of luck. Just hold me, let me see what time is it. It's 8:10, 8:08 rather, right? I would be just getting back to you 8:18. mean up, main aapko 10 minute de raha hu, 10 minute ke andar andar koshish karenge ye complete ho jaye. Best of luck. Chale beta, your time is over. I hope that you people have done. Ab aap logo ne jo kiya hai wo, since bahut sare aisi surat hal hai ke आप मुझे भेज नहीं सके या नहीं भेज रहे, तो आई विल सॉल्व फॉर यू। आप लोगों को ये करना है कि मेरे साथ चेक कर लीजिए। नंबर वन जो था हमारे पास वो था हम बहुत ही जल्दी आ गए। आपके पास क्या होगा, वी हैव चेक कर लीजिएगा अपने पास, वी हैव कम टू अर्ली। नाउ दिस इज नंबर वन। नंबर टू आपके पास क्या है, हम रात का खाना साढ़े सात बजे खाते हैं। ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो नाउ नंबर टू इज गोइंग टू बी वी हैव, और वी टेक भी हो सकता है, वी हैव आवर डिनर एट हाफ पास्ट सेवन। Now this is number two. Number three, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम रास्ता भूल गए हैं। नंबर थ्री क्या होगा, वी हैव लॉस्ट आर वे। नंबर फोर आपके पास क्या है जी, नंबर फोर इज हम साथ साथ चलेंगे। आपके पास ये क्या होगा, We will और we shall, और आप इसको will भी कर सकते हैं, we'll go together। Number five क्या है जी आपके पास, number five हम शिकार के लिए जंगल गए। Now ये past indefinite है, क्या हो जाएगा, we went to the forest, forest और जंगल,
फॉर हंटिंग। नंबर सिक्स आपके पास क्या है, हम शोर मचाने के अलावा कुछ ना कर सके, आपके पास क्या हो जाएगा, वी कुड डू नथिंग बट मेक नॉइज, राइट। नंबर सिक्स हो गया। नंबर सेवन आपके पास क्या है जी, हम मौसीकी सुन रहे थे, आपके पास क्या हो जाएगा, वी वर लिस्निंग टू म्यूजिक। अब लिस्निंग म्यूजिक भी हो सकता है, टू म्यूजिक भी हो सकता है, अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको लिखना चाहे या ना लिखना चाहे, मैं इसको इस तरह कर लेता हूं, लेकिन जो रियल इंग्लिश है उसमें लिस्निंग टू म्यूजिक होता है। नंबर एट क्या है ये आपके पास, हम में से कुछ क्रिकेट खेले, क्या हो जाएगा, नंबर एट सम ऑफ अस प्लेड क्रिकेट। नंबर नाइन क्या है जी आपके पास, हम में से कोई नहीं खेला, आपके पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ अस प्लेड एनी गेम। आपके पास नंबर टेन में क्या हो जाएगा आपका, हमने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली, आप क्या करेंगे, वी हैव कंप्लीटेड और फिनिश्ड आर स्टडीज। नाउ दीज आर द 10 ऑप्शंस जो कि मैंने हाईलाइट किए थे, और ये 10 ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ, ताकि आप लोग इससे खुद भी कभी भी चाहे तो आप ये कर इसको यूज कर सके अपने लिए। सो दीज आर द ऑप्शंस व्हिच आई हैव गिवन यू इन द चैट बॉक्स, जो आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप अगर बाद में कहीं देखना चाहे तो कैसे हुआ है तो उसका पता चल सके। नाउ आई विल कम बैक टू दिस ऑप्शन जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये देखिए, वी हैव कम अर्ली, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, वी हैव लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, वी विल गो फ्यूचर इंडेफिनेट है, वेंट पास्ट इंडेफिनेट है, कुड पास्ट इंडेफिनेट है, वर लिस्निंग पास्ट कंटिन्यूअस है, प्लेड पास्ट इंडेफिनेट है, प्लेड पास्ट इंडेफिनेट है, हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये आपको इस तरह चीजें करनी है। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि इन जुमलों को आप नेगेटिव में भी चेंज कर लीजिए फॉर प्रैक्टिस, और इंट्रोगेटिव में चेंज कर लीजिए, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। आपके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैव नॉट कम टू अर्ली, राइट, हम जल्दी नहीं आए, सपोज आपके पास ये नेगेटिव में आ जाता है। दूसरा, वी हैव आवर डिनर एट, वी हैव आवर डिनर एट हाफ पास्ट सेवन, वी डोंट हैव, आप क्या करेंगे यहाँ पर, वी डोंट हैव आवर डिनर, वी हैव लॉस्ट आवर वे, वी हैव नॉट लॉस्ट आवर वे, राइट, ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। आई गो टू, वी विल गो टूगेदर, वी विल क्या होगा, नॉट गो टूगेदर, we went to the forest, आपके पास क्या होगा इसका, We did not go, अगर आप इसको negative बनाते हैं, we could do nothing, we could, ये इसी तरह ये वैसे ही negative में है, we were listening to music, we were not listening to the music, ये आपका इस तरह हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में देखिएगा, सम ऑफ अस प्लेड क्रिकेट, आप क्या करिएगा इसका, इसका नेगेटिव बनाइएगा। तो नेगेटिव कैसे बनेंगे, आपके पास
some of us ये वाला ऑप्शन देख लीजिएगा. सम ऑफ अस डिड नॉट प्ले क्रिकेट, नन ऑफ अस प्लेड क्रिकेट. ये इसको छोड़ दीजिए, वैसे ही नेगेटिव है. वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टडीज, वी हैवंट कंप्लीटेड, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर स्टडीज. तो आपके पास इन केस आपको ये वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं and you have to make them into negative. तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ सबके लिए, कि इन केस ऑफ नेगेटिव तो आप क्या करिएगा, इन सेंटेंसेस को ऐसे बनाएंगे. ये मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ इनको भी. ये आ गए जी आपके पास नेगेटिव्स. ठीक है, यहां तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? यस बेटा, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन टिल हियर? कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है जी, वील गो फॉर द पार्ट टू ऑफ आवर टेस्ट. कोई भी देख लीजिए, एक दफा देख लीजिए. हमारे पास किसी भी तरह की कोई चीज ऐसी है जो आपको लग रहा है कि हमें पूछनी है, पूछ सकते हैं. कुछ नहीं है, वेरी गुड. आई होप दैट यू थिंक द थिंग्स आर क्वाइट इजी. मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए वैसे भी इतनी मुश्किल ये चीजें नहीं होती हैं. बहुत आसान आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप कर सकते हैं. अब हमारा जो दूसरा पोर्शन है, हम कहाँ तक गए थे, पढ़ाई पूरी कर ली. अब आप ये बाकी के जो सेंटेंसेस है इनको अटेम्प्ट करेंगे. हमने अपनी किताबें अपने बस्तों में रखी, ठीक, हमने बाग का चक्कर लगाया, हमने तस्वीर दीवार पर लगा दी है, हम वक्त से पहले पहुंचेंगे, अब हम आपको नए साल की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं. नाउ दीज आर द सेंटेंसेस विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट. इनको जरा देख लीजिए अच्छी तरह से, सॉल्व करिए. कोशिश ये करें कि चैट बॉक्स में मुझे भिजवाएं, ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि आप लोग भी कर रहे हैं. ऐसे तो फिलहाल इट सीम्स कि आई एम डूइंग द थिंग्स एंड आई एम जस्ट सॉल्विंग द थिंग्स मायसेल्फ. तो कोशिश करिए कि मुझे चैट बॉक्स पे भिजवाएं. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक. दीज आर 5 सेंटेंसेस और मैं आपको अभी, इट्स 27, तो आई एम अगेन गिविंग यू आई गेस 7 मिनट्स, क्योंकि थोड़े से एक दो सेंटेंसेस ऐसे जो टेक्निकल है. तो इट्स 28, so I would be coming back to you at 35, right? Best of luck. The good thing is that one of the students is sending few of the options after just getting them done. Two of the options have been solved by him, and good thing is that both are right. And for the counter check at the end, I'll be solving rest of the things, and you can just check it back for your convenience. Everyone is appreciated if you send the question, send the answers or options. Hey ji, welcome back. Unfortunately, most of the students have left their class or left the meeting. So I don't know. बहाल जो है उनके लिए आपके पास वीवर हैविंग ऑप्शन नंबर 11. ऑप्शन 11 इज हमने अपनी किताबें अपने बस्तों में रखी. शायद वेरी वेल डन, यू हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट. थोड़े से एक दो वर्ड इधर उधर है. वी पुट और कैप्ट राइट, वी पुट और कैप्ट आर books in our bags, right? This is number 11. Number 12 क्या है जी आपके पास? Number 12 है हमने बाग का चक्कर लगाया. आपके पास कभी कभी ये भी हो जाता है हमने बाग की सैर की. We went all around the garden. क्या हो जाएगा जी number 12? We went all
around the garden. नंबर 13 पर आ जाते हैं जी. नंबर 13 पे आपके पास क्या है? हमने तस्वीर दीवार पर लगाई. वी हैंग फर्स्ट फॉर्म होती है, हंग सेकंड फॉर्म होती है. वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल. नंबर 14 आपके पास क्या है? हम वक्त से पहले पहुंचेंगे. आपके पास क्या हो जाएगा? वी विल रीच देयर, और ये देयर अगर आप नहीं भी लगाते, वी विल रीच बिफोर टाइम. लास्ट में नंबर 15 क्या है आपके पास? हम आपको नए साल की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं. क्या हो जाएगा जी? वी विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर. एंड फॉर्चुनेटली या मुझे कह लीजिए कि इत्तेफाकन आज लास्ट डे ही है. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. बेटा ये जो ऑप्शंस हैं मैं आप लोगों के लिए चेकबॉक्स में डाल रहा हूँ, ताकि आप अगर बाद में इसको काउंटर अपने लिए कुछ यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं. राइट सर, ऑल द आंसर्स आर देयर. कोई क्वेश्चन बेटा? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन? तो हम क्वेश्चन इसको आंसर कर लेते हैं. कोई भी चीज अगर आप पूछना चाहो तो. कोई क्वेश्चन नहीं है? आई गेस नहीं है. ठीक है बेटा, सिंस आई डोंट नो व्हाई, ड्यू टू सम रीजन देयर आर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट, सो ओनली देयर आर टू स्टूडेंट्स. तो हम इसको थोड़ा सा आज की क्लास को मैं कुछ 10 मिनट पहले ऑफ कर रहा हूँ. बट वी विल मेक इट अप इन वन ऑफ द क्लास. जब हम दोबारा क्लास लेंगे तो इसको कहीं ना कहीं मेकअप कर देंगे. अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हो मुझसे. एनीथिंग यू लाइक टू आस्क मी, कोई भी चीज़ अगर नहीं पूछनी तो मुझे बता दीजिए, मैं इसको अप करूँगी. वाइंड अप करूँगा क्लास का. इंशाल्लाह वी विल हैव अ बेटर क्लास. चैट में मुझे बता दीजिए इफ देयर इज अ क्वेश्चन, अदरवाइज हम अभी की क्लास को वाइंड अप करते हैं. I guess there is no question at all, right? So, best of luck to everyone, and if there is a question, I guess. No questions. No. Best of luck, apna khayal rakhiyega.